गुड मॉर्निंग क्लास 9, वेलकम टू एलेप्सियस ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट बुक वी हैव इज गोइंग ऑन फ्रॉम व्हिच लेसन 4 इज बीइंग एक्सप्लेन। इस चैप्टर में मैंने आपको अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा बनाए गए जो प्रिंसिपल था रिलेटिविटी, उसको मैंने कल पढ़ाया। और वो क्या कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, उसे लिखा है कि बहुत खुशी की अनुभूति होती है। हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, घर में कितना खुश होऊंगा। हाउ मच एक्सपीरियंस, ग्लैड एक्सपीरियंस, हैप्पी एक्सपीरियंस वुड आई वुड ही गेन। जब वो दोनों लोग, वो उनके लवर मिलेगा मैरी, दोनों उस वर्क को करेंगे, वर्क करके को विक्ट्री मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा। 900 एट द एज ऑफ 21 21 वर्ष की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए, अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड लेकिन बेरोजगार थे। उसने टीचिंग स्टंट किया प्राइवेट क्लासेस दिया, प्राइवेट तरीके से पढ़ाया लोगों को, हाईली सिक्योर्ड एज जॉब इन 1902 और अंत में टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में 1902 में उन्होंने जॉब ले लिया। वन के पेटेंट ऑफिस में, बहुत अच्छे ऑफिस में, पेटेंट इस डॉक्यूमेंट व्हिच गिव्स द राइट्स ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर। जब वो कल्पना की जाती थी एसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, दूसरे लोगों के आविष्कार, वो कल्पना कर रहे थे इस बात की आइंस्टीन वास्तव में डेवलप कर रही अपने विचार को सीक्रेट में। और कहा जाता है अपने मजाक किया भी बिगाड़ता है, कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर, उसके डेस्क ड्रॉवर जब काम पर अपने मेज, अपने टेबल के जो ड्रॉवर थे उसको, वो ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, सैद्धांतिक भौतिकी ब्यूरो कहकर पुकार। उनके जो फेमस पेपर्स है उनमें से 1905 में एक पेपर्स आइंस्टीन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग टाइम और डिस्टेंस को की चीज पढ़ाया जा चुका है, जो मैंने रिवीजन किया भी, पढ़ना आपको यहाँ से है। इक्वल एमसी स्क्वायर, ये फार्मूला इन्होंने ही निकाला था, साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन। इस मैथमेटिकल इक्वेशन में जो इक्वल एमसी स्क्वायर है, इक्वल एमसी स्क्वायर, इस फार्मूले को अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही इन्वेंट किया था इस फार्मूले को। में ई जो है स्टेट्स फॉर एनर्जी, एम फॉर मास एंड सी फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन अ व्हीकल। जब आप बैठते हैं अच्छी लड़की के साथ फालतू और दो दो घंटे बैठते हैं आप पानी से भी, तो A nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. जब एक अच्छी लड़की के साथ बैठते हैं दो घंटे जो है, दो घंटे तो थे तो 2 मिनट जैसा लगता है, और जब आप हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स और जब गर्म स्टोव के पास बैठते हैं 2 मिनट तो बैठते ही तो 2 घंटा जैसा लगता है। फायर आइंस्टीन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स,
एक बात बात थे जब आइंस्टीन जो सॉल्व कर रहे थे तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स फिजिक्स का था, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरैवलिंग, और उनका प्राइवेट लाइफ जो है वो स्टार्ट बिगन टू फॉल, कितना स्टार्ट हो गया प्राइवेट लाइफ उनकी जो क्षति होने लगी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिनर्वा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, अल्बर्ट चाहते थे शादी करना किससे, मिनर्वा मैरिज से करना चाहते थे अपना स्टडी कंप्लीट करने के बाद में, लेकिन उनकी माँ उसकी अगेंस्ट थी, उसकी मदर का अल्बर्ट आइंस्टीन की मदर का सपोर्ट नहीं था। वो सोचती थी मिनर्वा को जो 3 साल बड़ी थी, अल्बर्ट आइंस्टीन से 3 साल बड़ी थी, और जो मिनर्वा का इंटेलिजेंस था उसकी जो बुद्धिमत्ता थी उससे बिल्कुल परेशान थी। सी जे बुक लाइक यू, क्योंकि वो भी एक टैलेंटेड गर्ल थी और किताब थी अल्बर्ट आइंस्टीन की किताब थी, और वो फैमिली गर्ल्स चाहती थी जो होमली होमवर्क हाउस वुड वर्क करे। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टीन ने विवाह को पोस्टपोन कर दिया। Prepare 2 questions with answer. Thanks, everyone.